हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल. यदि मैं आप मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर दीजिए. आज यूपीएससी के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिस तरह से यूपीएससी के डायनेमिक पैटर्न में करंट अफेयर के साथ सवाल को रिलेट किया जाता है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप देखेंगे, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नियरली 50 to 60 क्वेश्चन आर फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम करंट अफेयर. लेकिन हम इन करंट अफेयर को अप्रोच नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया है, इन्हीं करंट अफेयर को सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज. क्योंकि अगर करंट आता है तो वो करंट किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ जरूर को रिलेट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे करंट अफेयर के सवाल है उनको सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करते हुए ही समझेंगे. तो आज की ज्योग्राफी की सीरीज में हमने 10 क्वेश्चंस को करना है. वी विल कवर 10 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस करंट अफेयर की डोमेन से ही पूछे जाएंगे. इस तरह के ये क्वेश्चंस रहेंगे. यस रुपेश, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो आज ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं. क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड के होंगे. सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स. सर्टेन क्वेश्चन विल बी पर्टेनिंग टू द करंट अफेयर. वो सीधे होंगे, सरल होंगे, लेकिन किसी करंट के साथ जरूर एसोसिएटेड रहे होंगे. ऑलराइट, ऐसे ही पहला सवाल देखिए. सवाल कहता है पेनिनसुलर रिवर के ऊपर पूछा गया सवाल. पेनिनसुलर रिवर में दो रिवर्स के नाम है, कलासा एंड भंडूरी. ये रिवर बोला जाता है कि मालप्रभा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. दूसरा स्टेटमेंट बोला जाता है कि जो महादाई रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र से और अरेबियन सी में ड्रेन होती है. तो मीन्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी महाराष्ट्र एंड ड्रेनिंग इन टू दी अरेबियन सी. ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं. इनमें से बताइए कि सही उत्तर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है. जल्दी से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए. जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन बैठे हुए, इस प्रकार का एक सवाल है, इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए. आई गेस जितने भी बच्चे हैं, आप या तो आप लोगों ने तैयारी को अभी इनिशिएट किया है, अगर आपने तैयारी को इनिशिएट किया है तो बेटर है आप एनसीईआरटी सीरीज को हमारी फॉलो कीजिए. जो शाम को 5 बजे डेली बेसिस पे हम एनसीईआरटी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. ये एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. और ऐसे ही दूसरा, अगर जिन लोगों की थोड़ी भी तैयारी हो गई है, वो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. इससे आपके जो है धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप समझ पाएंगे. जिसकी तैयारी और अच्छे स्टैंडर्ड पे है, उन लोगों को मेंस आंसर राइटिंग के भी हमारे सेशन चल रहे हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. जल्दी से उत्तर दीजिए. चलिए, हाँ जी नितेश, शायद आप सभी ही नए हैं तैयारी में या आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है. मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ. जो पहला है कलासा एंड भंडूरी, जो कि ट्रिब्यूटरी है मालप्रभा रिवर की, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मालप्रभा ऑल्दो अपने आप में ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की, और ये दोनों रिवर्स जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मंडोवी विच इज अ रिवर ऑफ गोवा. इट्स अ मेजर रिवर ऑफ गोवा, और जिसको हम यहाँ पे लिखा भी है महादाई रिवर भी बोलते हैं. तो ये दोनों ही ट्रिब्यूटरी मंडोवा रिवर की है, इसलिए पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ये न्यूज में रहा था अभी टॉपिक, क्योंकि गोवा एंड कर्नाटका के फार्मर्स के बीच में एजिटेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर शेयरिंग, और इसके स्नाइपेट्स भी मैंने शेयर किए हैं. ये न्यूज हमारी करंट अफेयर की मैगजीन में पब्लिश हुई थी, तो उसका भी स्नाइपेट मैंने शेयर किया गया है, सो दैट यू कैन गेट टू कनेक्ट योर न्यूज विद द करंट अफेयर, न्यूज और करंट अफेयर विद द एमसीक्यूज. ये अगर आपको आ जाएगा तो यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना आपके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है महादाई रिवर ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है. ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, महादाई रिवर बिल्कुल भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है रेदर देन महाराष्ट्र, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए डी इज द राइट चॉइस हियर. ऑलराइट, तो मानवी डी इज द राइट चॉइस हियर. देन तो फर्स्ट का राइट आंसर इज डी. इन पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप यूपीएससी से भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. इस तरह की सीरीज बहुत समय से चल रही है, इनको भी आप हमारे एप्लीकेशन सिविल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी पीडीएफ है, इनमें बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. एक साल के अंदर 3000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और आप देखेंगे कि इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में जो लास्ट ईयर हमने चलाई थी उसमें से रेप्लीकेट रिपीट हुए हैं. अगले साल भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से कवर किए जाएंगे, राइट. चलिए जी, इस तरह से देखिए ये करंट अफेयर में कवर किया गया सवाल रहा था. चलिए अगला सवाल है. ज्योग्राफी में एक फिनोमिना होता है जिसको बोला जाता है ऑरोराज. इस ऑरोराज फिनोमिना के ऊपर पूछे गया सवाल, और तीन स्टेटमेंट दी गई है. ऑरोराज आर कॉज्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ सोलर विंड्स विद एटम ऑफ अपर एटमॉस्फेयर दैट इज आयनोस्फीयर. दे यूजुअली ऑब्जर्व ग्रीन एंड रेड ऑरोराज हैपन बिटवीन 100 to 250 किलोमीटर.
तो ये सेकंड स्टेटमेंट दी गई है। थर्ड बोलते हैं कि जो अरोराज हैं ये पोल्स के ऊपर ही, ध्रुव है ना, ध्रुव के ऊपर ही दिखाई देते हैं और बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये ओरिजिनेट होते हैं। संडे को एनसीईआरटी का टेस्ट होता है, आप हमारी ऐप पे जाएंगे वहां पे ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी सेक्शन के अंदर संडे को ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। नितेश कहते हैं सेकंड का ए। आई गेस नितेश लास्ट सेशन में भी थे, इन्होंने ही सही उत्तर दिए थे। बाकी अभी अभी आप लोग, बाकी लोग अपनी तैयारी को आई गेस इनिशिएट कर रहे हैं। तो द राइट आंसर इज ऑल द अबव स्टेटमेंट हैज बीन करेक्टली गिवन, तो सी इज द राइट चॉइस। अरोराज जो है ये एक कलरफुल स्काई अगर हमारे पोल्स के ऊपर बन जाता है और रात के समय में जो कि प्राइमरली ग्रीन और रेड कलर का बनता है उसको अरोराज बोला जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सोलर विंड्स एक फिनोमिना है, जब भी सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन जो कि एक एटॉमिक रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसके बाद लगातार कई सारे पार्टिकल्स एमिट होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को सोलर विंड्स बोला जाता है। ये पार्टिकल्स आते हैं अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाते, लेकिन ये धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को ट्विस्ट कर देते हैं और पोल्स के ऊपर अपियर हो जाते हैं और पोल्स पे ही देखे जाते हैं। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये सोलर पार्टिकल्स अर्थ की तरफ ही आते और अर्थ के सरफेस तक भी पहुंच सकते थे और पूरी दुनिया में अरोराज आपको देखने को मिलते। तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये केवल नॉर्थ और साउथ पोल में दिखाई देते हैं जहां पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ बनता है। तो देखेंगे इस तरह से ये जो अरोराज हैं ये अर्थ के इन दो एरियाज के ही फीचर बन जाते हैं क्योंकि यहीं से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाते हैं। उसके अलावा जब अरोराज एक बार बन जाते हैं तो आप देखोगे रातों रात अचानक से स्काई का जो कलर है वो ग्रीन या रेड कलर का होता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो इस तरह का ये फीचर हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक केव्स है जो रिसेंटली न्यूज में रही थी, केव्स का नाम है तांपा लिंग केव। ये केव के बारे में बोला जाता है कि इन केव में आजकल जो स्टडी चल रही है अर्थ इंडिया एशिया के अंदर जितने भी ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है आज से 50,000 साल पहले, वो ह्यूमन माइग्रेशन को स्टडी किया जा रहा है और माना जा रहा है इन केव्स में सबसे पहले एशिया के अंदर ह्यूमन एंटर किया था, राइट। तो इस तरह की ये केव्स से पूछा जा रहा है केव्स कौन से कंट्री में लोकेटेड है। चलिए जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तांपाई केव्स कौन से कंट्री में सिचुएटेड है। द राइट चॉइस इज दे आर सिचुएटेड इन लाओस। अभी रिसेंटली ही इन पे निकाला जा रहा है। हम एक टर्म पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के जिसका नाम है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब है कि जहां पर भी लाइमस्टोन की रॉक्स हैं उन रॉक्स में बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वाटर हम देखते हैं कि कई सारे फीचर्स क्रिएट होते हैं और इसी को कास्ट टोपोग्राफी बोला जाता है। इसी तरह का कास्ट टोपोग्राफी हमें लाओस वियतनाम में भी देखने को मिला जाता है जिसमें केव अपने आप नेचुरल वे में डेवलप हो जाते हैं और इन्हीं केव्स में माना जाता है पहले कभी ह्यूमंस रहा करते थे क्योंकि उनके बहुत सारे एविडेंसेस, उनके स्कल्स, उनके स्केल्टन यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, राइट। जब उनकी डेटिंग निकाली गई तो वो डेटिंग आप देखिए बोला जाता है 50,000 साल पुरानी वो डेटिंग इसमें से निकल के आई है। तो ये भी हमारी करंट अफेयर की मैगजीन में न्यूज अच्छे से कवर्ड है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कुछ सवाल बहुत कठिन है, कुछ सवाल सरल भी है। आप देखेंगे यूपीएससी का इस तरह का रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया रिसेंटली F-13 has been seen in news और ये किससे रिलेटेड है। ये चारों ही जो ऑप्शंस दिए हैं ये चारों ही करंट अफेयर में आप देखेंगे चारों ही करंट अफेयर में ऑप्शंस रहे थे। तो ये किसके साथ एसोसिएट होता है उसको आप लोगों ने मैप करके बताना है। क्या ये एक क्वासाई मून है जो कि एस्टेरॉयड है और अर्थ और सन को ऑर्बिट करता है। क्या एक ये जुपिटर का एक्सोप्लैनेट है जो कि हाईएस्ट डेंसिटी का माना जाता है आज तक के लिए। क्या ये इंडिजिनियसली डिजाइन वॉरशिप है या ये एक डीप वाटर व्हीकल है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। तो ये चार जो है ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। द राइट चॉइस इज ए, इट्स अ क्वाजाई मून। क्वाजाई मून मीन्स कंप्लीटली अर्थ का मून नहीं है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है लेकिन रिसेंटली ऑर्बिट करना स्टार्ट किया है 100 BC मींस आज से 2100 साल पहले इसने अर्थ को ऑर्बिट करना स्टार्ट किया है और अभी अगले 1000 साल तक ये ऑर्बिट करता रहेगा। उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से ड्रिफ्ट आउट होकर दोबारा सन के ऑर्बिट में चला जाएगा, इसलिए पूरी तरीके से हमारा ये मून नहीं है, राइट। तो इट्स अ क्वाजाई मून जिसको बोला जाता है। तो देखेंगे इस तरह से ये जो है
अर्थ के अराउंड अभी ऑर्बिट कर रहा है, कुछ टाइम पे ये सन के अराउंड आज से 12-13 सौ साल बाद सन के ऑर्बिट में चला जाएगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया के कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को लोकेट करना है उनके क्रॉस्पॉन्डिंग स्टेट के साथ। तो ये एक सवाल है इंडिया की फिजिकल लोकेशन ज्योग्राफी से, जो कि यूपीएससी का बहुत प्राइम टॉपिक रहता है। और इसमें जो इस बार के ऑप्शंस दिए हैं यूपीएससी में लास्ट ईयर से जो नए तरीके से ऑप्शंस पूछे जाते हैं उनके साथ इनको कोरिलेट किया गया है। ऑप्शन देखिए, रिवर आइलैंड, भवानी आइलैंड आंध्र प्रदेश, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, ये सारे, अच्छा ये सारे ही रिवर आइलैंड है। उमानंदा आइलैंड केरला एंड मुनरो आइलैंड आसाम, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। नितेश कहते हैं फिफ्थ का बी, देखिए बिल्कुल ठीक उत्तर है फिफ्थ का बी, केवल दो ऑप्शन ही करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए भवानी आइलैंड जो है आंध्र प्रदेश में कावेरी और कृष्णा और गोदावरी रिवर के माउथ के पास में बना गया ये आइलैंड है। सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में है, ये बिल्कुल ठीक है। उमानंदा आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर, लार्जेस्ट इज मजूली। तो उमानंदा बिलोंग्स टू आसाम रेदर देन केरला। मुनरो अ वेरी वेरी पॉपुलर आइलैंड ऑफ केरला, और ये केरला में टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है, और ये लेकिन केरला को बिलोंग करता है। तो ये दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, बाकी करेक्ट हैं। इसलिए द राइट चॉइस इज बी, ओनली टू पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। क्लियर। देखिए ये कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की गई है, आप इन पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और संभाल के आपने हमेशा ये पीडीएफ रखनी है, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल ये रहने वाली है। विद रेफरेंस टू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आंसर देखिए, जो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, नॉट करेक्ट। रिवर्स के बारे में सवाल, और यूपीएससी में 100% एक सवाल रिवर्स के ऊपर आपका आता है। तो सवाल बोलता है जो बारक्कर रिवर है वो दामोदर रिवर के ट्रिब्यूटरी है, अपर कैचमेंट कावेरी रिवर का ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून जो आजकल चल रहे हैं, और सर्दियों के अंदर लोअर पार्ट रिसीव करेगा ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। फोर्थ थर्ड स्टेटमेंट देंगे, द सियोम रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। फोर्थ इज द महानंदा राइजेज नियर इन द नेपाल हिमालय वेयर इट इज नोन एज गोरी गंगा। तो ये चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। चलिए आपने इसका उत्तर बताना है। पिछला भी 50 क्वेश्चन था, ओ दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। नितेश कहते हैं सी, द राइट आंसर इज डी, सी भी बिल्कुल ठीक है। सियोम जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और इसीलिए ये करंट में बना था। सियोम के ऊपर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ब्रिज बनाने की बात करी है, और इसी ब्रिज का भी रिसेंटली इनॉग्रेशन भी किया गया है। महानंदा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर के, एंड इट इज द लास्ट, याद रखो लास्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, और ये ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो दार्जिलिंग हिल्स से ओरिजिनेटेड रिवर हमें देखने को मिलती है। क्लियर। तो डी जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। ये देखिए ये सियोम के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि रिसेंटली इस पे एक ब्रिज स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ सवाल ज्यादा है, ये ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओनली इन वन स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो केवल एक ही स्टेट में सिचुएटेड है। सवाल आसान है, देखिए नहीं नितेश गड़बड़ करी आपने, नेपाल कहां से आ गया। द राइट आंसर इज अजंता, सी इज द राइट आंसर। अरावली इज स्प्रेड इन, अरावली स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली देन इट इज गोइंग टू हरियाणा देन राजस्थान एंड देन गुजरात। तो अरावली तो बहुत सारी जगह पे जा रहे। सतपुड़ा आर स्प्रेड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अजंता इज एन स्पेसिफिक रेंज, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास है और महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है। शादरीज जो कि वेस्टर्न घाट का ही लोकलाइज्ड नेम है महाराष्ट्र में, तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर है डेट इज अजंता। यस मानवी, बिल्कुल ठीक, अजंता इज द राइट चॉइस हियर। क्लियर। तो यहां पे इस मैप के जरिए भी आप चीजों को देख सकते हैं। अगला सवाल, सेवन क्वेश्चन, बिल्कुल करंट अफेयर से है। एक नए पेस्ट हमें देखने को मिला है, आप में से अगर कोई महाराष्ट्र है तो मेरे को जरूर बताना। पंजाब के प्लेन्स में या पंजाब में अभी एक नया पेस्ट मिला है, पेस्ट का नाम है पिंक बॉल वॉर्म, और ये पेस्ट पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रॉप के साथ को रिलेट करता है। पिंक बॉल वॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप।
सतपुड़ा इज बोथ इन एमपी एंड महाराष्ट्र। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट बाद में इन सेशन को देखेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स दे सकते हैं। द राइट चॉइस इज कॉटन, इज द राइट चॉइस। 2021 में भी ये न्यूज में रहा था, कॉटन की बहुत बड़ी प्रोडक्शन हमारी खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस वेरी पेस्ट। और इस बार फिर से माना जा रहा है कि पंजाब के प्लेन्स के अंदर तकरीबन 15-20% जो है आउटपुट खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पेस्ट, राइट। तो ये पिंक बॉल वॉर्म एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है जो कि आपके करंट से पूछा गया है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अभी रिसेंटली न्यूज में G7 रहा था और इसके अंदर G7 में हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मीटिंग हुई है। हिरोशिमा जापान का एक सिटी है, हिरोशिमा, वहां पे एक मीटिंग कंडक्ट की है G7, और उसी के साथ जुड़ा हुआ G7 से सवाल कि एक इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोरम है 7 नेशंस का जिसमें चाइना भी एक पार्ट है। अगला सवाल कहता है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। थर्ड क्वेश्चन सेज मेंबरशिप ऑफ रशिया हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू रिसेंट यूक्रेन वॉर। और देखिए कमाल की बात, पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि काफी ज्यादा गलत होने के चांस हमारे रहते हैं क्योंकि हम मिस रीड जनरली कर लेते हैं। तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से आप लोग प्लीज। देखिए पहला इनकरेक्ट पूछा गया, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि G7 में कई सारे नेशंस हैं लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है। इनके नेशंस देखो, यूनाइटेड स्टेट इज द नेशन, कनाडा इज द नेशन, जापान इज द नेशन, बाकी आप देखेंगे यूरोपियन नेशन, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 नेशन। IMF कहती है सबसे एडवांस इकोनॉमीज हैं दुनिया की, इसलिए इनको एक ग्रुपिंग में डाला गया। इससे पहले जो स्टेटमेंट बोलती है कि इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये न्यूयॉर्क में कोई हेडक्वार्टर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, रशिया इसका पार्ट पहले हुआ करता था, तब इसका नाम G8 था, फिर रशिया को इसमें से निकाल दिया गया, नॉट बिकॉज ऑफ द रीसेंट यूक्रेन वॉर बट बिकॉज ऑफ द 2014 एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया विच हैज बीन कंडक्टेड बाय रशिया। इसलिए रशिया को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दी गई इसकी मेंबरशिप को, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सारी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए ए इज द राइट चॉइस हियर, राइट। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिशन रिसेंटली डिस्कस किया जा रहा है, मिशन का नाम है दृष्टि मिशन। इसके ऊपर पूछा गया सवाल, चलिए ये कहता है ये एक कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट है, इसरो का मिशन है। इट विल बी इंडिया फर्स्ट एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट। इट्स फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन 2023। ये 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एब्सोल्यूटली करेक्ट है। देखिए अच्छा सवाल है, देखिए पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये इसरो द्वारा नहीं बनाया जा रहा, एक इंडिया की नई प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है गैलेक्सी, उन्होंने इसको बनाया है। तो गैलेक्सी का एक नया स्टार्टअप है जो IIT मद्रास के एलुमिनाई है, उन्होंने मिलकर ये स्टार्टअप किया है और ये पूरा प्रोजेक्ट वॉज इनक्यूबेटेड इन IIT मद्रास। और ये गैलेक्सी एक स्टार्टअप ने ही इसको बनाया है दृष्टि मिशन, जिसमें इन्होंने एक कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट बनाया है और इसका पहला सैटेलाइट 2023 नहीं 2024 जो कि अगले साल है उस दिन लॉन्च होगा। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट जो कि बीच वाली है, इट विल बी इंडिया फर्स्ट एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन मल्टी सेंसरिंग इमेजिंग सैटेलाइट, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है और इसमें काफी ज्यादा डेटा साइंस भी इस्तेमाल की गई है। तो राइट चॉइस विल बी ए, सेकंड इज ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर, क्लियर। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इरिगेशन से पूछा गया सवाल और स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास UPSC के अंदर। वहां पे सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एरिया, जो इसका उद्देश्य था कि कैसे कैसे हम अपने एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ा सकें, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन है कि इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी को फोकस किया जाएगा। इन दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शेयर किए गए हैं, तो हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है।
देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल आपने ठीक बताया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कोई रोल नहीं है। इसके दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो दोनों ही गिवन है। एक है माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना है, एरिया अंडर इरिगेशन लेकर आना है, और इसके लिए इसका एक सबसेट है, हिंदी में इसका नाम है हर खेत को पानी। तो मींस वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। दूसरा इसका एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मोर क्रॉप पर ड्रॉप मींस हम वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पानी को ठीक से इस्तेमाल हो पाए इसके ऊपर काम करेंगे। इसमें इसराइल के साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इरिगेशन टेक्नोलॉजी शेयरिंग के हम लोगों ने एग्रीमेंट किए गए हैं, राइट। तो इस तरह से हमने आज 10 सवाल किए। इन सवालों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, आप हमारी ऐप सिविल स्टैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए काफी रेलिवेंट है, या वे विद्यार्थी जो यूपीएससी के अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी रेलिवेंट सवाल रहते हैं। क्लियर, चलिए, थैंक्स अलॉट, थैंक यू एवरीवन। संडे का टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपने एनसीईआरटी वाले कोर्स को, फ्री कोर्स है उसको, अपने आप ज्वाइन करना है नितेश, वहां से आप ये जो कर सकते हैं। एचएएस का रिकॉर्डेड बैच 16 अगस्त ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा।